हेलो वियर, वेलकम टू माय चैनल। हमने वेज बिरयानी हैदराबादी स्टाइल में बनाने के लिए यहाँ पे वन बाउल में ये बासमती राइस लिए हैं। इसको 30 मिनट सोक करके रखा हुआ है। वेजिटेबल्स में हमने यहाँ पे ये वन बाउल गोभी ली हुई है, इसे धोकर रखा हुआ है। हाफ बाउल यहाँ पे हरी मटर है, आप फ्रोजन मटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये वन पोटैटो क्यूब्स में काट के रखा है। 2 से 3 फ्रेंच बीन्स है। एक गाजर लिया हुआ है। 2 ऑनियन स्लाइस करके रखी है। इसे हम फ्राई करके ब्राउन ऑनियन करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टीस्पून। यहाँ पे घी है, 2 ग्रीन चिली है, हाफ लेमन है। मसाले में हमने यहाँ पर ये बिरयानी मसाला पाउडर, ये एवरेस्ट कंपनी का है। खड़े गरम मसाले में दालचीनी है, इलायची है, काली मिर्च है और लौंग है। 1 स्टार एनीज है। यहाँ गरम मसाला पाउडर है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर है। और ये 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है और नमक स्वादानुसार है। और यहाँ पे मिंट लीव और ये धनिया पत्ती ली हुई है। केसर लिया हुआ है, दूध में घोल के रखा हुआ है। ये 1 पिंच केसर हमने, और 1 बाउल में यहाँ पे दही ले रखा है। सबसे पहले हम अपनी ऑनियन को कैरमलाइज करते हैं। फ्राई ऑयल गरम कर रखा है। हम यहाँ पे अपनी प्याज कैरमलाइज करेंगे। प्याज बारीक बारीक स्लाइस में काट रखी है और अलग कर दी है इनको पतले पतले स्लाइस में। ये थोड़ी आधी आधी करके हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम लो हीट पर। प्याज अलग अलग होना चाहिए, जुड़ी नहीं होना चाहिए। ये 2 मिनट में अच्छी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसे निकाल लेंगे। ये प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे 2 से 3 मिनट लगा हुआ है। ये देखिए कितने अच्छे से कैरमलाइज्ड हो गई है। ये हमने एक कढ़ाई में करीब 1 टेबल स्पून ऑयल गरम कर रखा है। अब हम इसमें जो खड़े गरम मसाले थे वो डालेंगे। तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, स्टार एनीज, ये जैसे ही फ्राई हो इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। और जो हमारी सब्जियां थी वो डाल देंगे। थोड़ा सा सॉल्ट डालकर इसे हम अच्छे से अभी पकने देंगे सब्जियों को। ये सब्जियाँ अच्छे से हो गई हैं। अब हम यहाँ पे दही ऐड करेंगे हाफ बाउल। कैरमलाइज्ड ऑनियन ऐड करेंगे। जो मसाले थे सारे मसाले ऐड कर देंगे। धनिया पुदीना की पत्ती ऐड करेंगे। इसको और 2 मिनट हम होने देंगे, फिर लेयरिंग स्टार्ट करेंगे। अब हम राइस बॉईल करेंगे। हमें हैदराबादी बिरयानी के लिए ऑलमोस्ट 75 से 90% तक हम राइस बॉईल कर लेंगे। इसमें हम यहाँ पर घी ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे, करीब 1 से 2 टीस्पून जो खड़े गरम मसाले थे वो डाल देंगे थोड़े यहाँ पे हम।
और राइस डाल देंगे। और इनको पका लेंगे हम। राइस हो गए हैं ये, अब हम इसको छन्नी से छान लेंगे। अब ये 2 मिनट सिमर हो चुकी है, अब हम यहाँ पर राइस ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में ब्राउन ऑनियन ऐड करेंगे, ग्रीन चिली, ये धनिया पुदीना की पत्ती, और जो हमने केसर वाला दूध ले रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। अब आप यहाँ दम के लिए आटे का भी यूज़ कर सकते हैं या फॉइल का भी। मैं यहाँ पे किचन टॉवल ले रही हूँ, उससे इसे ढककर इसे अच्छे से ढक दूंगी और इसे एकदम लो हीट पर 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। आप चाहें तो यहाँ पे तवे के ऊपर भी रख सकते हैं। ये 2 मिनट 3 मिनट बाद करीब हम कढ़ाई को ये गरम तवे पे प्लेस कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट और लो हीट पर पका लेंगे हम। ये हो गए हैं 2 से 3 मिनट, अब हम इसे खोलेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। अब हम यहाँ पे लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस डालने के बाद जो हमने घी लिया था वो डालेंगे। अभी फ्रेश घी बहुत अच्छी स्मेल आती है। अब इसे हम एक सर्विंग डिश में सर्व कर लेंगे। ये देखिए हमारी खिली खिली हैदराबादी दम बिरयानी बन के रेडी है। अब हम इस पे थोड़ी ऊपर से कैरेमलाइज्ड ऑनियन डालेंगे। धनिया पुदीना की पत्ती डालेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन प्रेस करिए। थैंक यू बाबा।